Hi, grade 4th. In previous class, I had started chapter number 17, Travel and Currency, and I had completed till plateau. Today, I'm starting with desert. A desert is a barren area of land which gets little or no rainfall. मतलब desert ऐसा barren area है, मतलब जहाँ पानी either बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है. Thus, life is difficult for both plants and animals in desert. ये पूरा barren area है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है. इस वजह से वहाँ पे animals हो या इंसान हो या फिर plants हो, सबके लिए जीना बहुत difficult है. Thar desert is located in western region of India. जो Thar desert है वो कहाँ आया है? इंडिया के वेस्टर्न रीजन में. ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल एंड एक्सट्रीम हीट, वाटर एंड वेजिटेशन इज स्केयर. मतलब कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है और पानी और वेजिटेशन भी कम है. स्केयर मतलब कम, वहाँ उसका अभाव है, अछत है. ठीक है. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स दैट नीड्स लिटिल वाटर सच एज बाजरा, पल्सेस एंड ज्वार. वहाँ के जो किसान हैं वो क्या उगाते हैं? बाजरा, पल्सेस और ज्वार. क्यों? क्योंकि वो ऐसे प्लांट्स हैं, वो ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको पानी बहुत कम चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, डेजर्ट प्लांट्स सच एज कैक्टाई, डेट पाम ट्रीज एंड अकासिया ट्री ग्रो वेयर सम वाटर कैन बी फाउंड. मतलब कि ये जो बाजरा, पल्सेस और चावल उगाया जाता है, उसके अलावा वहाँ पे कैक्टाई, डेट पाम, डेट पाम मतलब खजूर, और कैकासिया के ट्री भी मिलते हैं. पर वो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होता है. Desert get very heated during the day and cools down as the sun sets. मतलब कि दिन में desert बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वो धीमे धीमे ठंडा होता जाता है. Now island. An island is a piece of land surrounded by water. मतलब island ऐसा piece of land है जिसके चारों ओर पानी होता है और बीच में लैंड एरिया होता है. बींग सो क्लोज टू द वाटर बॉडी, द क्लाइमेट ऑफ आइलैंड इज मॉडरेट एंड प्लीजेंट. वो पानी के बहुत नज़दीक होने के कारण उसका एनवायरनमेंट मॉडरेट और प्लीजेंट होता है. इन इंडिया द टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी. मतलब कि हमारे इंडिया में आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार, जो कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में. एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कहाँ है? अरेबियन सी में. ट्रैवल, पीपल ट्रैवल फॉर न्यूमरस रीजन्स. न्यूमरस मतलब बहुत सारे रीजन्स. लोग अलग अलग रीजन्स की वजह से ट्रैवल करते रहते हैं. द मीन्स ऑफ ट्रैवल यूजुअली डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनेशंस एंड डिस्टेंस टू बी कवर्ड. मीन्स ऑफ ट्रैवल्स मतलब हम ट्रैवल करने के लिए क्या यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम चल के चले जाएं, या फिर हमारे घर से स्कूल तक हम आइदर साइकिल ले लें या फिर ऑटो ले लें या फिर वैन बनवा लें, ऐसा. सो दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रैवल. तो जो मीन्स ऑफ ट्रैवल्स है वो किस पे डिपेंड करता है? डेस्टिनेशन कहाँ है एंड डिस्टेंस कितना है. ठीक है. इन हिली एरियाज रोड ट्रैवल इज मोस्ट कॉमन एज मेकिंग रेल लाइंस और एयरपोर्ट इज डिफिकल्ट देयर. मतलब जो हिली एरिया होता है वहां पे सबसे इजीली क्या, कौन सा ट्रैवल मिल सकता है? रोड ट्रैवल. क्यों? क्योंकि ऊंचाइयों पे रोड्स बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऊंचाई पे रेल ट्रैक्स नहीं हो सकते हैं. इवन एयरपोर्ट्स भी वहाँ
नहीं बन सकते क्योंकि एयरपोर्ट को भी काफी लंबे लंबा रनवे चाहिए होता है और वो भी फ्लैट रनवे चाहिए होता है। सो हिली एरिया पे रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ रेड लाइन्स एंड एयरपोर्ट्स। ठीक है, फॉर इंटर कंट्री ट्रैवल वी कैन ऑप्ट फॉर एयर ट्रैवल और सी ट्रैवल। और अगर हम इंटर कंट्री जाना चाहते हैं, मतलब अगर यहाँ से हमें आइदर दुबई जाना है या फिर यूके जाना है, यूएस जाना है, तो हम सबसे हम दो ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं। आइदर वी कैन गो बाय एयर, या तो हम एयर से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर हम सी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ओशन में जो भी सीज होते हैं उसके साथ जा सकते हैं। पेइंग फॉर ट्रैवल, व्हेन वी ट्रैवल वी नीड मनी टू बाय टिकट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फॉर द अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ट्रैवल। मतलब कि जब हम ट्रैवल करते हैं हमें टिकट खरीदने के लिए और उधर अगर हम वहां जा रहे हैं तो उधर भी खर्चे करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। वी नीड मनी फॉर दैट, हमें उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। When we travel within India, we use the Indian currency, that is Indian rupee. मतलब जब भी हम इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर हम चाहे कोई भी स्टेट में चले जाए, कोई भी सिटी में चले जाए, but if we are within India, we use our own currency, our own Indian currency, that is Indian rupees. और हमारी Indian currency, we have in two forms means वी हैव नोट्स एंड कॉइन्स। हम नोट्स और कॉइन्स दोनों यूज करते हैं। इफ वी ट्रेवल टू द फॉरिन कंट्री वी हैव टू यूज द कंट्री करेंसी ऑफ ऑल फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स। मतलब कि व्हेन वी आर गोइंग टू द अदर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू अमेरिका और दैट इज USA, UK और इवन वी आर गोइंग यूरोप, वी नीड देयर करेंसी टू ट्रैवल देयर। अगर हम उनके कंट्री में जा रहे हैं हमें उनकी करेंसी की जरूरत पड़ती है इंडियन करेंसी। द इंडियन रूपी गॉट स्पेसिफिक सिंबल इन 2010, दैट इज रूपी। इंडियन करेंसी को ये स्पेसिफिक सिंबल कब मिला? 2010 में। इंडियन करेंसी नोट्स कम इन दिस डिनोमिनेशंस। इंडियन करेंसी जो नोट्स हैं वो ये एक डिनोमिनेशन में आते हैं, 5, 10, 20, 50, 100, 5,000, 500 यहाँ 1,000 लिखा है, लेकिन 1,000 की नोट अब बंद हो चुकी है। सो इंस्टेड ऑफ 1,000 इट्स 2,000 रुपी नोट। एंड इंडियन करेंसी कॉइन्स कम इन दिस डिनोमिनेशन, और हमारे जो इंडियन करेंसी कॉइन्स है वो ये डिनोमिनेशन में आते हैं, 50 पैसा, 1 रूपी, 2 रूपी, 5 रूपी, 10 रूपी, ये हमारे इंडियन करेंसी के कॉइन्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नेम द डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स, तो इसके एग्जाम्पल्स ये हैं और आपको ये लिखना है, और अगर करेंसी कॉइन्स कहा तो ये सारे। ठीक है, इन फ्रंट साइड ऑफ द नोट और कॉइन इज द ऑब्जर्व साइड एंड द बैक साइड इज द रिवर्स साइड। जो आगे की साइड है उसे ऑब्जर्व साइड कहते हैं और पीछे की साइड को क्या कहते हैं? रिवर्स साइड। इंडियन करेंसी नोट्स हैव फॉलोइंग कॉमन फीचर्स। हमारे जो इंडियन करेंसी नोट्स हैं उनमें नीचे के सारे फीचर्स हैं। ऑब्जर्व साइड, ऑब्जर्व साइड में क्या क्या होता है? ये हमारी ऑब्जर्व साइड है। द नेशनल एम्बलम इज शोन ऑन द नोट्स एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर। ये जो है ये हमारा नेशनल एम्बलम है। महात्मा गांधी पोर्ट्रे अपीयर्स ऑन द राइट एंड द वॉटरमार्क ऑफ हिज पोर्ट्रेट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। ये जो महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है वो हमारे राइट साइड पे है, और जब आप इसको
आप ऐसे करके ऐसे लाइट के सामने रखेंगे तो उसका एडवर्स मतलब उल्टा यहाँ पे ये जो ब्लैंक एरिया है ना वहां पे उनका वाटर मार्क दिखता है। ठीक है, सेम उनका बट उल्टा यहाँ दिखता है, राइट। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द नोट इज शोन एट द थ्री प्लेसेस ऑन द नोट, और इनकी जो मॉनिटरी वैल्यू है वो तीन जगह दिखाई जाती है। इट ऑल्सो अपियर्स इन वर्ड्स इन हिंदी लैंग्वेज इन द मिडल ऑफ नोट, मतलब कि यहाँ देखिए जो इसकी मॉनिटरी वैल्यू है वो तीन जगह दिखाई जा रही है, देखो 1, 2 एंड 3। ठीक है, और उसके सेंटर में यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ दिखाया जाता है। द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डिस्प्लेड इन द सेंटर ऑफ द नोट्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और ये जो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है स्पेसिमेन है इसलिए, वरना यहाँ पे हमारे जो रिजर्व बैंक आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी सिग्नेचर्स दिखाई जाती है बीचों बीच, और वो भी हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द नोट्स इन द हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश में ऊपर क्या दिखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदी और इंग्लिश में भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्व साइड के फीचर्स हैं। नाउ वी कम टू द रिवर्स साइड, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द नोट्स अपीयर्स इन द थ्री प्लेस, यहाँ पे भी सेम ये रिवर्स साइड है और मॉनिटरी वैल्यू तीन जगह पे दिखाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन इन द वर्ड्स It is also shown in the words in Hindi in the left hand corner and English at the right hand corner. और left hand corner में हिंदी में और right hand corner में English में उसकी value, मतलब जो भी currency है currency note है उसकी value वहां पर लिख के दिखाई जाती है। On the left side from the top to bottom the value of the notes appears in the 15 languages. ये जो है ये यहाँ पे तो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन आप नोटबुक में नोट में कोई भी एक करेंसी नोट लेके चेक करना, ये जो लिखा है वो 10 रुपए ये 15 लैंग्वेजेस में लिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द नोट, और नोट के सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। डिफरेंट नोट्स हैव डिफरेंट पिक्चर्स ऑन देम, अलग अलग नोट पे अलग अलग पिक्चर्स होते हैं, जैसे इस पे एलिफेंट और टाइगर है, फिर हमारा और कोई नोट होगा उस पे और कोई पिक्चर होगा, राइट। सबके कलर्स अलग अलग होते हैं ऐसा। इंडियन करेंसी कॉइन्स मोस्टली हैव अ सिंबल एंड द वैल्यू ऑन वन साइड, मतलब कि हमारे जो इंडियन करेंसी कॉइन्स हैं, कॉइन्स ये नोट है, हम कॉइन्स की बात कर रहे हैं, हमारे जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू एक साइड पे लिखी होती है, ऑन द अदर साइड भारत एंड इंडिया इज एनग्रेव्ड इन हिंदी इंग्लिश रिस्पेक्टिवली विद द नेशनल एम्बलम इन द सेंटर, मतलब कि हमारा जो भी कॉइन है वो कॉइन के एक साइड तो करेंसी, हमारा करेंसी वैल्यू जो भी है जैसे 2 रुपीज कॉइन है, 1 रुपी कॉइन है, ऐसा कोई भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन दूसरी साइड पे नेशनल एम्बलम के साथ कोई अलग अलग पिक्चर आ सकती है। ठीक है, राइट नाउ आई डोंट हैव एनी कॉइन एल्स आई कुड हैव शोन यू द डिफरेंट, बट आप करेंसी कॉइन्स चेक करना अलग अलग 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपी 10 रुपी तो आपको समझ में आएगा कि उसको कैसे बनाया है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर रैप अप। प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैट एंड फ्लैट लैंड, एग्जाम्पल्स डकन प्लेट्यू, डेजर्ट बैरन लैंड एंड विथ सैंड
scarce rainfall and extreme heat. Example, Thar Desert, island, a piece of land surrounded by water, moderate and pleasant temperature. Example, Andaman Nicobar Island. Plains, flat lands, fertile soil on the banks of rivers. Examples, endogenetic plains. Hills and mountains, elevated structure, peaks often covered with the snow. Example, the Himalayas. Now, fill in the blanks. An island has a moderate and pleasant climate. A dash are flat lands with no considerable elevation. So this is plains. The Indian currency is the rupee. A dash is a flat land located higher than the land around it. मतलब प्लेट्यू. प्लेट्यू जो होता है वो थोड़ा हाईली एलिवेटेड फ्लैट लैंड. ठीक है. आर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ ऑल्स राइट ट्रू टी एन एफ. ऑल द इंडियन करेंसी नोट्स हैव द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फॉल्स. उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का नहीं बट आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सिग्नेचर होता है. एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. ट्रू. द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. ट्रू. एन आईलैंड इज अ प्लेन पीस ऑफ लैंड सराउंडेड वाटर. ट्रू. ठीक है. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. आईलैंड, लक्षद्वीप, माउंटेन रेंज, द हिमालयाज, डेजर्ट, थार, प्लेट्यू, रूप डेकन. ये भी एक डेकन है. वेरी शॉर्ट आंसर्स. व्हाट इज अ डेजर्ट? अ डेजर्ट इज अ स्मॉल इज अ बैरन एरिया ऑफ द लैंड विच गेट्स लिटिल और नो रेन. और ये रहा उसका आंसर. A desert is a barren area of land which gets little or no rainfall. Number two, what is hill? Small mountains are known as hills. This is the answer. Small mountains are known as hills. Short answers. Name the landmark seen on the surface of the earth. दो लैंडमार्क्स हमें कौन कौन से बताए थे? ये सारे प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, आइलैंड. दिस ऑल आई हैव रिटन हियर. प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड, हिल एंड माउंटेन्स. व्हाट आर हिल एंड माउंटेन्स? हाउ आर दे डिफरेंट? तो इसका पूरा आंसर यहाँ है. हिल एंड माउंटेन्स आर एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. स्मॉल माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स. हाई माउंटेन्स हैव स्टीप स्लोप्स एंड कोल्ड क्लाइमेट्स. द टॉप ऑफ पीक ऑफ द माउंटेन इज ऑफन कवर्ड विद द स्नो. अ रो और चेन ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज. इन इंडिया वी सी द हिमालयस. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो आप यहाँ तक आंसर लिखेंगे राइट. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेजर्ट? डेजर्ट के मेन फीचर्स क्या हैं? सो दिस इज फुल F1 आंसर. ये पूरा F1 है. अ डेजर्ट इज अ बैरन एरिया ऑफ लैंड विच गेट्स लिटिल और नो रेनफॉल. दस लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ डेजर्ट. Thar Desert is located in western region of India. Due to the lack of rainfall, the extreme heat, water and vegetation is scarce. Farmer grow crops
need little water, such as bajra, pulses, and jawar. Apart from this, desert plants such as cacti, dead palms, and acacia trees grows where some water can be found. The deserts get very heated during the day and cools down as the sun sets. Write down the denominations in Indian currencies and notes are circulated. तो ये मैंने आपको बताया था the Indian currencies comes in the these denominations नहीं in denominations and coins are in this नहीं ये सारे denominations right और think and answers आप अपने हिसाब से खुद करेंगे. This is your homework. I am not giving you answers for this. Why do you think the deserts are least populated? आपको लगता है कि desert क्यों least populated होता है? क्योंकि एक तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत कम होता है, और खाना भी उतने variety का नहीं मिलता है. So due to these reasons, it can be least populated. Why are so many languages are used on an Indian currency notes? Indian currency notes पे इतने सारे languages क्यों use किए जाते हैं? Because India is a multilingual country. So हम अलग अलग languages हम बहुत सारी भाषाओं में बात करते हैं. And though rupee is our own currency, हम equality दिखाने के लिए we show many languages in our Indian currency notes. So hope this is clear to you all. And with this I have completed chapter number 17. And with this I have also completed course for unit test 3. इसी के साथ मैंने मेरा unit test 3 का course complete कर लिया है. और I'll share one revision worksheet with you. मैं एक revision worksheet दूंगी. वो आप अपने हिसाब से solve करने की कोशिश करना. And slowly and steadily will complete all the exercises of revision worksheet regularly. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. नहीं, आज का homework है exercise A, B, C in your textbook. And exercise D, E, F in your notebook. With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.